subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. We are going to learn Mark Twain in 9th class English का 2.3 है और आज यहाँ से हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है आपको वीडियो पहला वीडियो पसंद आया होगा. हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं 2.3 मार्क ट्वेन 9th क्लास. मार्क ट्वेन वंस प्रपोज्ड अ प्लान फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग. एक मरतबा क्या हुआ कि मार्क ट्वेन ने एक मरतबा एक प्लान बनाया था कि वो इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट, स्पेलिंग में इम्प्रूवमेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन ईयर वन डैट यूजलेस लेटर सी वुड बी ड्रॉप टू बी रिप्लेस्ड आइदर बाय के और एस एंड लाइकवाइज एक्स वुड नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट. अब मार्क ट्वेन ने क्या किया कि उन्होंने इस ज़बान की तहकीक़ में एक नए ही काम करने की कोशिश शुरू कर दी और उन्होंने सोचा कि हम पहले साल क्या करेंगे, ये जो सी ये लेटर है यानी अल्फ़ाबेट है इसे ड्रॉप कर देंगे, उसके बजाय हम या तो के यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, एस इस्तेमाल करेंगे या फिर एक्स जो है वो उसका अल्फ़ाबेट का हिस्सा ही नहीं रहेगा. द ओनली केस इन विच सी शू वुड बी रिटेन्ड वुड बी द च फॉर्मेशन, सी एच फॉर्मेशन विच विल बी डील्ड विथ लेटर. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो जिसमें सी रिटेन करेंगे सिर्फ उसमें सी एच फॉर्मेशन वाला जो अल्फ़ाबेट रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे उसमें ही रखेंगे और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मालूमात करेंगे. दूसरे साल में ईयर टू माइट रिफॉर्म डब्ल्यू स्पेलिंग. अब दूसरे साल में उन्होंने क्या कहा कि हम डब्ल्यू के बारे में थोड़ी सी रिफॉर्म करेंगे, स्पेलिंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे यानी उसकी स्पेलिंग दुरुस्त करेंगे. सो डैट विच एंड वन वुड टेक द सेम कॉन्सोनंट. अब उन्होंने क्या किया, पहले देखिए कॉन्सोनंट के से लिखा जाता था, अब यहाँ पर सी से लिखा जाता था, यहाँ के से लिख दिया, तो सेम कॉन्सोनंट लिखेंगे. वाइल ईयर थ्री माइट वेल अबॉलिश वाई रिप्लेसिंग इट विथ आई. अब यहाँ पर डब्ल्यू को क्या किया, डब्ल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश की और उसके बाद में उन्होंने वाई को आई से रिप्लेस करने की बात की. एंड अब देखिए ईयर को उन्होंने आई से आई ई ए आर लिख दिया, यानी आई ई ए आर ईयर फॉर माइट फाइक्स द जी ऑब्लिक जे एनोमलाई वंस एंड फॉर ऑल. अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जी और जे इसमें भी तो एक जो तजाद था उसे भी बदल दिया. पहले इसमें तो क्या किया था, पहले डब्ल्यू का स्पेलिंग, बाद में वाई का स्पेलिंग और वाई की जगह ईयर में आई आ गया है. अब यहाँ पर जी को जे से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर जनरली में क्या हुआ, जी के बजाय जे इस्तेमाल करेंगे तो जेनरली. देन द इम्प्रूवमेंट वुड कॉन्टिन्यू. अब ये सी के बजाय के इस्तेमाल किया यानी जनरली द इम्प्रूवमेंट वुड कॉन्टिन्यू ईयर बाई ईयर विद ईयर फाइव डूइंग अवे विथ यूजलेस डबल कॉन्सोनेंट्स. अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टिन्यू में के, ईयर में फिर से आई इस्तेमाल किया और बाई में बी ए आई इस्तेमाल किया, वाई के बजाय ए आई, फिर ईयर में आई ई ए आर. तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग अल्फ़ाबेट को साथ में इस्तेमाल करने की एक नई शुरुआत कर दी थी. अब उसके बाद में पाँचवें साल की बात क्या कर रहे हैं, अब डबल कॉन्सोनेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ईयर्स में आई ई ए आर एस जो है 6 से 12, ये पहले आई ई ए आर क्या है, ये सबके सब वोवेल्स है, आर एस डबल कॉन्सोनेंट है और उसको मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, वोवेल्स से, वी वो वी ओ डब्ल्यू एल जेड ये वोवेल्स एंड द री राइमेनिंग वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स. अब ये वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड, अब यहाँ पर हमने इसे सी को जैसे कि हमने के से बदला था वैसे ही अब ये रिमेनिंग को उन्होंने क्या किया, आर से आई, ई के बजाय आई इस्तेमाल किया और ए के बजाय ई इस्तेमाल किया, इस तरीके से इसे चेंज कर दिया और वॉइस्ड को अनवॉइस्ड एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट फिर से यहाँ पर सी के बजाय के इस्तेमाल किया. बाय ईयर, अब देखिए बाय में ए आई इस्तेमाल किया वाई की जगह पर, ईयर वाई की जगह पर ई इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया आई ई. 15 और सो
सो यानी ओ यू हो गया ये, पहले सिर्फ ओ इस्तेमाल करते थे। इट वुड फाइनली बी पॉसिबल टू मेक मेक यस ओ थाई रिडेंडेंट लेट इस सी वाई एंड एक्स बाय नाउ जस्ट अ मेमोरी इन द मेंस ओ एंड वुड डो दिस टू रिप्लाइज सी एच एस एच एंड टी एच रिस्पेक्टिवली। अब ये जो पूरी की पूरी ज़बान पूरी तब्दील हो जा रही है, ये अगर आप गौर करेंगे तो यह आज हमारी जो मोबाइल की ज़बान है, हम मोबाइल में जो आम तौर पर हमारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वही मार्क ट्वेन ने आज से तकरीबन 100-125 साल पहले ही इसके बारे में तहकीक कर दी थी और इसके बारे में उन्होंने लिखा भी था। फाइनली, अब ये फाइनली फिर से ए आई और एल आई यानी वाई के बजाय आई। फाइनली जेन आफ्टर सेम 20 इयर्स ओ और ऑर्गेक्स ऑर्गेस फुल रिफॉर्म वी वुड हैव अ लॉजिकल कोहेरेंट स्पेलिंग इन इन इट्स एक्सरवेंट एक्स इंग्लिशली स्पीकिंग वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर फिर से अल्फाज को यहाँ पर फेर बदल करके इस्तेमाल किया गया है। चलिए इसके अगले पैराग्राफ में देखते हैं। वन डे ड्यूरिंग हिज टेन्यूर एज द एडिटर ऑफ अ स्मॉल मिसौरी न्यूज़पेपर। अब ये एक मर्तबा की बात है कि ये उनका जो एडिटर एज ए एडिटर वो एक मिसौरी न्यूज़पेपर में काम करते थे। मार्क ट्वेन रिसीव्ड अ लेटर, मार्क ट्वेन को एक लेटर हासिल हुआ फ्रॉम अ रीडर, एक रीडर ने उन्हें भेजा था। हु हैड फाउंड अ स्पाइडर इन हिज पेपर, जिसके पेपर में एक स्पाइडर आया था यानी कि मकड़ी आ गई थी। ही वंडर्ड वेदर दिस पोर्टेंडेड गुड और बैड लक। अब वो जो न्यूज़पेपर जो रीडर था उसने बोला कि ये गुड लक है या बैड लक है। अब ये इस तरीके से एक किस्म दखियानूसी ख्यालात लोग रखते हैं, पोर्टेंडेड पहले से आगाह किया हुआ। फाइंडिंग अ स्पाइडर इन योर पेपर, ट्वेन रिप्लाइड इज नाइदर गुड लक नॉर बैड। अब यहाँ पर मार्क ट्वेन का जवाब भी उतना ही शानदार है। वो क्या कहते हैं, आपके न्यूज़पेपर में अगर कोई मकड़ी आ जाती है तो ये ना अच्छी अच्छा शगुन है ना बुरी बात है। द स्पाइडर वॉज मेरिली लुकिंग ओवर आवर पेपर टू सी विच मर्चेंट वॉज नॉट एडवर्टाइजिंग सो डैट ही कुड गो टू डैट स्टोर स्पिन हिज वेब अक्रॉस द डोर एंड ले लीड अ लाइफ ऑफ अनडिस्टर्ब पीस ओवर एवर आफ्टरवर्ड। अब यहाँ पर मार्क ट्वेन का जवाब जो है बहुत ही ख़ास है। क्या कहते हैं, जो स्पाइडर है यानी मकड़ी है वो क्या देख रही थी, वो देख रही थी कि कौन सा मर्चेंट यानी ताजिर न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देता है और एडवर्टाइजिंग नहीं देता है, तो वो उसके दरवाज़े पर जाती है, दरवाज़े पर जाकर वहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने का तय कर लेती है। मार्क ट्वेन्स बर्थ इन नवंबर 1835 वाज हेराल्डेड बाय द रिटर्न ऑफ हैलीज कॉमेट। अब ये मार्क ट्वेन जो है ये कब पैदा हुए थे, ये नवंबर 1835 में, और उस वक़्त क्या हुआ था, एक दुमदार सितारा जिसे कॉमेट कहते हैं, ये हैलीज कॉमेट ये उस वक्त नमूदार हुआ था। ट्वेन हु ऑफन रिमार्क्ड अपॉन दिस क्यूरियोसिटी केम टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ। और अक्सर मार्क ट्वेन इस बारे में कहते हैं कि इस किस्म की क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस उसी वक्त उनके जहन में आ गया। केम टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एंड द कॉमेट एज अनअकाउंटेबल फ्रीक्स। अब ऐसी चीज़ें वो खुद के बारे में सोचने लगे और कॉमेट यानी धुमदार सितारा आना ये तो कोई बहुत ही नाकाबिल हिसाब एक बात हो जाती है। कॉस्मिकली लिंक्ड यार ये नजूमी जो होते हैं वो या कॉस्मोलॉजी के बारे में जो बात करते हैं सितारों की ज़ात, ये तो उसे लिंक करने की बात हो गई है। हैविंग कम इन टुगेदर ही डिक्लेयर्ड दे वुड गो आउट टुगेदर। और वो कहते हैं कि हम दोनों साथ आए थे और साथ ही जाएंगे। इनफैक्ट ट्वेन वॉज प्रूवन राइट। और दर हकीकत क्या किया ये मार्क ट्वेन ने इसे सही साबित कर दिया। ऑन द नाइट ऑफ हिज डेथ इन अप्रैल 1910
हेलिस कॉमेट वंस अगेन ब्लेज थ्रू द स्काई। ये 1910 के अप्रैल की रात जब मार्क ट्वेन का इंतकाल हुआ, जब वो मरे, तब उन्होंने उसी वक्त हेलिस कॉमेट दोबारा आसमान में नज़र आया था, चमका था। अब यहाँ पर कुछ सम इम्पॉर्टेंट कोटेशंस दिए गए हैं, जैसे कि अप्रैल फूल्स डे। अब ये अप्रैल फूल्स डे क्या होता है, शायद आपने सुना होगा, यानी ये 1 अप्रैल के दिन को अप्रैल फूल्स डे कहते हैं, अप्रैल फूल मनाते हैं ना लोग। दिस इज़ द डे अपॉन विच वी आर रिमाइंड ऑफ व्हाट वी आर ऑन द अदर 164। अब इसमें क्या बयान कर रहे हैं, ये एक ख़ास बयान करते हैं कि अप्रैल फूल्स डे में हम दूसरी तरफ है, जो 164 के दूसरी जानेब आपको नज़र आती होगी। उसके बाद क्या कहते हैं, ये अ मैन कैन नॉट बी कम्फर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। एक इंसान अपने खुद के चाहने के बाद ही वो ना चाहने के बाद ही वो कम्फर्टेबल हो सकता है, यानी अ मैन कैन नॉट बी कम्फर्टेबल। एक आदमी उस वक्त तक आरामदा नहीं हो सकता जब तक कि उसका खुद का अप्रूवल ना हो, यानी उन्हें खुद ने मानना चाहिए कि वो आराम से है, तब वो आराम से रहेगा। अ पर्सन विद अ न्यू आइडिया इज़ ए क्रैंक अंटिल द आइडियाज। एक शख्स जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, जज्बा नहीं है, वो एक नामाहूल शख्सियत का हामिल है, यानी वो किसी भी काम का नहीं है। अगर वो अपने दिल में कोई मंसूबा, कोई ख्याल नहीं रखता, तो उसकी ज़िंदगी में ये जो ज़िंदगी है वो किसी भी काम की नहीं है। एज इज़ एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ़ यू डोंट माइंड इट डजेंट मैटर। उम्र क्या है, ये सिर्फ मानने की चीज़ है, अगर तुम्हारा जहन नहीं मानता तो कोई बात नहीं, चाहे आप औरत हो या मर्द हो। ऑल जनरलाइजेशंस आर फॉल्स इंक्लूडिंग दिस वन। तमाम चीज़ें जो आम सी है वो झूठी है, गलत है, जो हम यहाँ बयान कर रहे हैं वो भी गलत है। बी केयरफुल अबाउट रीडिंग हेल्थ बुक्स, यू मे डाई ऑफ ए मिसप्रिंट। हो सकता है कि आपने हेल्थ बुक्स पढ़ लिया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा सावधान रहिए, हो सकता है ज़रा सी भी मिसप्रिंट की वजह से आपकी मौत ना वाक़ हो जाए। बी केयरलेस इन योर ड्रेस इफ़ यू विल, बट कीप अ टाइडी सोल। आपके जो जिस्म है उसके बारे में आपने केयरलेस नहीं रहना है, बल्कि आपका ड्रेस कैसा भी हो, अगर आपका ड्रेस बेहतर नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपका सोल, आपका जिस्म अच्छा, आपका दिल अच्छा रहना चाहिए। क्लासिक अ बुक विच पीपल प्रेज एंड डोंट रीड। क्लासिक एक ऐसी चीज़ होती है, क्लासिक यानी जो लोग बहुत ही उम्दा काम करते हैं उनके बारे में बयान किया जा रहा है। एक ऐसी किताब है जिसके बारे में लोग बड़ी तारीफें करते हैं, प्रेज़ करते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उस पर अमल नहीं करते। जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा शख्सियत है जिसके अच्छे अखलाक के बारे में बड़ी बातें होगी, जैसे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम वगैरह है, इनके बारे में बड़ी बातें होती है, लेकिन उन्होंने जैसी ज़िंदगी गुजारे, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी ज़िंदगी गुजारे, उनके बारे में बड़ी बातें होंगी, लेकिन उनके जैसा जीने की कोई कोशिश नहीं करेगा। ह्यूमर इज़ मैनकाइंड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, यानी मज़ा जो है इंसान बनी नौ इंसान की सबसे बेहतरीन किस्म की एक खुशी देने वाली चीज़ है, दुआ है, जो अल्लाह की तरफ से आपको तफवीज़ की गई है। आई एम एन ओल्ड मैन एंड हैव नोन अ ग्रेट मेनी ट्रबल्स, बट मोस्ट ऑफ देम नेवर हैपन्ड। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैंने बहुत सारी परेशानियों के बारे में जाना है, लेकिन वो सारी की सारी परेशानियाँ हुई ही नहीं, वक़ूफ़ज़ी नहीं हुई। आई मस्ट हैव अ प्रोडिगस क्वान्टिटी ऑफ माइंड, इट टेक्स मी एज मच एज अ वीक समटाइम्स टू मेक इट अप। अब मेरे पास क्या है, कहते हैं आई मस्ट हैव अ प्रोडिगस क्वान्टिटी ऑफ माइंड, मेरे पास बहुत ही अजीम जहानत होगी, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं लगता कि मैं उसे या तो भूल जाता हूँ या उसे दोबारा पा लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। इफ़ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। अगर आप सच बोलोगे तो आपको किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। झूठ बोलने वाला हर चीज़ याद रखता है, सच बोलने वाला बोलता चला जाता है। इट इज़ बेटर टू डिजर्व ऑनर्स एंड नॉट हैव देम देन टू हैव देम एंड नॉट डिजर्व देम। इट इज़ बेटर टू डिजर्व ऑनर्स, ये बहुत ही बेहतरीन है कि आप एजाजात के काबिल बने, और एंड नॉट हैव देम देन टू हैव देम एंड नॉट डिजर्व देम।
बजाय इसके कि अगर आपको एजाज़ के काबिल बनने के बावजूद एजाज़ नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन एजाज़ के काबिल नहीं होने के बाद में अगर आपको एजाज़ मिलता है तो बहुत बुरी बात है। इट इज़ बेटर टू कीप योर माउथ क्लोज एंड लेट पीपल थिंक यू आर अ फूल दैन टू ओपन इट एंड रिमूव ऑल डाउट। बेहतर यह है कि अपना मुंह बंद रखो ताकि लोग आपको बेवकूफ़ समझते रहे। अगर आपने मुंह खोला तो लोग समझ जाएंगे, उनका शक निकल जाएगा, वो पता चल जाएगा कि वाकई आप बेवकूफ़ हैं। इट्स नो वंडर डैट ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। कोई अजीब बात नहीं है कि जो सच्चाई है, हकीकत जो है वो बहुत ही अजीब होती है, अपने ख्याल से भी बढ़तर होती है। फिक्शन हैज़ टू मेक सेंस, लेकिन जो ख्याली बातें होती है, तखयल की बातें होती है, फिक्शन होता है, वो कोई ना कोई बात अपने जहन में ज़रूर रखता है। वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन द साइड ऑफ द मेजॉरिटी, इट इज़ टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। जब भी आप किसी मेजॉरिटी की तरफ रहेंगे तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। वाई इज़ इट डैट वी रिजॉइस एट अ बर्थ एंड ग्रीव एट अ फनरल, इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट द पर्सन इन्वॉल्व। हम खुशी के वक्त पैदाइश के वक्त खुशी मनाते हैं, मौत के वक्त हम रोते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना हम पैदा होने वाले होते हैं ना मरने वाले होते हैं, क्योंकि पैदा होने वाला रोता है और मरने वाला रोता नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ जीनियसेस लिव एंड डाई अनडिस्कवर्ड आइदर बाय देमसेल्स और बाय अदर्स। हज़ारों की तादाद में जो जीनियस लोग होते हैं वो ज़िंदा भी रहते हैं और मर भी जाते हैं, न कि कोई उन्हें जान पाता है और ना ही वो अपने आप को लोगों पर जाहिर करते हैं। थंडर इज़ गुड, थंडर इज़ इम्प्रेसिव, बट इट इज़ लाइटनिंग डैट डज द वर्क। बिजली बेहतर है, बिजली बहुत ही शानदार है, लेकिन बिजली की जो चमक होती है, बिजली की जो कड़क है वो अच्छी है, बिजली की कड़क जो है बड़ी जानदार है, लेकिन जो बिजली की चमक है वही सहस काम करती है। When I was younger, I could remember anything, whether it happened or not. जब मैं नौजवान था मुझे सब चीज़ें याद रहती थी, चाहे वो होती हो या ना होती हो। When your friends begin to flatter you on how young you look, it's a sure sign you are getting old. और अगर आपके दोस्त आपसे कहने लगे कि आप कितने नौजवान कितने जवान दिख रहे हो, तो समझ लो कि आप बूढ़े होने लगे हो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।